हमारे साथ इस वक्त जफर इस्लाम मौजूद है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनसे पूछते हैं, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जफर साहब, तारीखों की घोषणा हो चुकी है, पहली और पांचवी तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को वोट मतों की गणना होगी। क्या लग रहा है गुजरात में क्या होगा? देखिए, गुजरात में पूरा इनकम्बेंसी है, लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश है। जनता यहाँ की पिछले 27 साल में जिस तरह से हमने विकास किया है, लोगों की चिंता की है, लोगों के लिए समर्पित होकर काम किया है, उनका विश्वास जीता है। आज जब ज़मीन से रिपोर्ट आती है तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि ज़मीन में जो हमने काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, वो उस हिसाब से हम इस बार ऐतिहासिक जो रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन सर, सामने चुनौती भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, पहली बार त्रिशंकु इलेक्शन होने जा रहा है। देखिए, हम तो नहीं मानते हैं कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, कोई ऑपोजिशन जो पार्टी है वो कोई हमारे लिए चुनौती है। उस चुनौती को ध्वस्त करने का काम यहाँ की जनता करेगी। हम इस जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिस तरह से भी फीडबैक लीजिए जनता से, जनता के नाम एक ही नाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी। और उसकी वजह एक ही है, एक ही कारण है कि हमने उनके लिए काम किया है, धरातल पर सारे स्कीम्स को लेकर आए हैं और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आम नागरिक को मिला है। लेकिन जफर साहब, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि हाल ही में एक हादसा हुआ, 135 लोगों की मौत हो गई, जो झूलता पुल वाला इंसिडेंट है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, उससे पहले श्रद्धांजलि दी। सवाल ये है, ये भी एक मुद्दा रहेगा? देखिए, ये मुद्दा विपक्ष तो हमला कर रहा है, विपक्ष तो इसको लेकर सवाल खड़े ही कर ही रहा। देखिए, विपक्ष जो है वो जो खाली बर्तन आवाज करता है, जब उनको कोई पॉजिटिव ट्रैक्शन नहीं मिलता है अपनी पार्टी, अपने प्रदेश की जनता से, तो इस तरह की जो है नकारात्मक जो है तरीका अपनाते हैं। हकीकत बात है, ये दुर्घटना है। दुर्घटना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होती है कि लोगों की जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करें और उनके जो परिवार जिनके परिजनों को जिन्होंने खोया है उसके साथ खड़े रहे। आप देखिए, वो राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ संवेदना के बजाय वो राजनीति कर रहे हैं। हकीकत तो है, प्रदेश की जनता समझ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पर जितना राजनीति करेंगे उतना ही उनको नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी कहती है प्रशासन की गलती। देखिए, उसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कमेटी का जो SIT का गठन किया गया है और उसकी रिपोर्ट आएगी। हम तो ये बार बार कह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी दोषी होगा, चाहे कोई दोषी हो, दोषी को दंडित किया जाएगा और उसको सख्त से सख्त सजा उसके लिए होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज एक ट्वीट किया है और ट्वीट में अपने 8 जो वचन उन्होंने दिए थे वो वचनों को दोहराया है। आम आदमी पार्टी भी कई सारे वचन दे चुकी है गुजरात के। देखिए, ऐसे वचन बहुत बार दिए हैं और उसका जो है कभी भी उन्होंने वो पिछले 2019 का इलेक्शन देख लीजिए, उससे पहले भी राहुल गांधी ने बड़े फैनफेयर के साथ कुछ ऐसे स्कीम सुनाई थी, बाद में वापस लेना पड़ा। इसलिए कि जनता का विश्वास होना चाहिए। जनता के लिए आप पूरे 5 साल कुछ काम नहीं करते, उनके बीच में नहीं रहते और सोचते हैं कि आप इलेक्शन के समय आप कोई बोलेंगे तो आपको लोग मान लेगा। सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन के लिए एक स्टंट है और इस तरह का स्टंट जो है जनता उनके लिए बैकफायर करा देती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली में हमने किया, पंजाब में जीते तो पंजाब में भी किया, अब गुजरात भी जीतेंगे तो गुजरात में भी करें। दिल्ली में जितने वायदे किए थे उनको पहले वो वायदे पूरे करें। पंजाब की खस्ता हालत है, सबको पता है। अब यहाँ की जनता बिल्कुल समझती है, यहाँ के गुजरात की जनता जानती है कि प्राथमिकता उनके लिए क्या है। प्राथमिकता ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो झूठे वादे करते हैं और पूरा नहीं करते हैं, वो प्राथमिकता नहीं। प्राथमिकता है जो सरकार उनके लिए समर्पित होकर सेवा करती रही है 27 सालों से। इसीलिए मैंने कहा पूरा इनकम्बेंसी है, कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं है। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं BJP ने भी एक कमेटी बनाई है जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो नेता को टिकट नहीं मिलेगी, जो नाराजगी होगी उसको दूर करने के लिए। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने टिकट वितरण करने के पहले हर तरह के जायजा लेती है, उसमें क्या नया है भाई? जो सीनियर लीडरशिप जब कोई डिसीजन लेगा तो जाहिर है उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी। हमने तो समाज के से बराबर फीडबैक लिया है और समाज ने जैसा चाहा है हम उन पर समर्पित होकर वैसे ही काम किया है। चलिए, ये थे जफर इस्लाम जी, जिनका कहना है कि हमने समाज के लिए जो डिसीजन लिया है और एंटी इनकम्बेंसी का यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का असर जो है वो नहीं देखने मिल रहा है। गोपी घांगर, गांधीनगर।